राजधानी देहरादून में सड़कों और नालों में आवारा जानवरों के कारण बीमारियों के साथ साथ इनके काटने का खौफ भी आम जनता में फैल रहा है। इसी के माध्यम से नगर निगम द्वारा इनको पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस अभियान में कर्मचारियों की कमी के साथ साथ वाहनों की भी हालत खस्ता है। इस पर नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जानवरों को पकड़ने के लिए टेंडर निकाले गए हैं और जहां तक वाहनों की बात है तो इसके लिए भी कर्मचारियों से बात कर समस्या को हल किया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। पशु विभाग है उसके माध्यम से सड़क पे जो आवारा पशु होते हैं जैसे श्वान हो गया, सुअर हो गया, इसको पकड़ा जाता है। उसके पश्चात उन पे जो कार्यवाही है वो एज पर जो हमारा नियम है जिसमें अगर श्वान पकड़ा जाएगा तो उसका बर्थ कंट्रोल का सर्जरी करके उसको दोबारा उसी क्षेत्र में छोड़ा जाता है। सुअर को पकड़ कर उसके जो मालिक होता है उस पर जुर्माना किया जाता है ताकि वो अपने बाड़ा बना के अपने बाड़े में उसको रखने का प्रयास करे। इसके लिए हमने अभी विज्ञप्ति भी निकाला है जिसमें 10 से 15 लोगों को हमने अभी इसमें लेने के लिए विज्ञप्ति निकाला हुआ है, तो ये प्रक्रिया भी विचाराधीन है। और वाहन की जब बात कर रही है उस संबंध में मैं संबंधित अधिकारी से बात करेंगे, अगर उनको आवश्यकता है तो उसके लिए हम प्रोविजन करेंगे।